अहमदाबाद के चुनावी रण में इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार के खिलाफ वोटों की अपील करने यहां पर अजय सिंह चौटाला संरक्षक, राष्ट्रीय संरक्षक और इसके अलावा गोपाल कांडा वोटों की अपील करने लगातार तीसरे दिन वोटर्स के बीच जाने। सर मुझे ये बताइए कि शुरुआत में लग रहा था कि शायद विरोध इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आप लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल होगा, वोटों की अपील करना मुश्किल होगा, लेकिन अब विरोध की बर्फ पिघलने लगी। आप लोग, पहले तो मैं एक बात ये बता दूं कि हम इनेलो का विरोध करने के लिए नहीं, हम अपने लिए लोगों से मतदान की अपील करने के लिए आए हैं। लेकिन पूरे आपने भाषण में कोई जिक्र आपने कांग्रेस का नहीं किया। कांग्रेस धरातल पे कहीं है ही नहीं, जो धरातल पे चीज है ही नहीं उसे हम क्यों किसी को छेड़ने का काम करें। तो मेरा सवाल था कि विरोध की बर्फ अब पिघलने लगी है, गांव-गांव पहुंच रहे हैं पूरे तौर पे। परसों भी सब जगह आपने देखा हम गाँव में गए हैं, नौ गाँव में, आज भी नौ गाँव के कार्यक्रम है और ये सिलसिला निरंतर पूरे चुनाव में चलता रहेगा। एक एक गांव में जाएंगे, एक एक मतदाता से अपील करेंगे। लेकिन एक जिक्र और आप अभी कर रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल के वोटों की अपील करने ओम प्रकाश चौटाला जी भी वोटर्स के बीच जाएंगे, उसका कितना असर इस चुनाव पर पड़ेगा? वो तो मैंने गुजारिश मतदाताओं से की है कि वो उनसे पूछें कि पिछले चुनाव में भी वो वोट मांगने आए थे तब ये कहकर के मांगे थे कि मैं अंतिम बार वोट मांगने आया हूँ, आज फिर उनको इस उम्र में चढ़ा करके बस पे भेज दिया तो वो तो लोग पूछेंगे भाई आप अंतिम बार मांगने आए हो, दोबारा ये सिलसिला शुरू किया है। लोगों की कोई मांग भी क्या सामने आ रही है? जाहिर है सरकार से उम्मीदें होंगी, किस तरह की उम्मीदें जाहिर की जा रही है? समस्याएं तो अनेक है और उन समस्याओं के बारे में लोगों ने अवगत कराने का काम किया है, हमें भी उनका पता है, उनका समाधान प्राथमिकता पे करेंगे। एक रैली का आयोजन यहाँ पर किया गया, बीजेपी जेजेपी की साझी वो रैली थी, कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए अब माहौल तैयार कर लिया गया, किसी तरह का विरोध अब नहीं देखने को मिलेगा? विरोध बिल्कुल नहीं है कहीं भी, आप देख रहे हो किसान जो हैं, सच्चे किसान हैं, वो साथ में हैं, कुछ पार्टी के लोग हैं जो दो चार लोग वो कर रहे हैं। ज्यादातर वोटर्स ने एक बात आपको लेकर कही, आप दोनों भाइयों को लेकर कही कि रात रात में यहाँ बहुत कुछ होता है और उन्होंने कहा कि आप गेम चेंजर हैं। अजी कुछ नहीं, गेम चेंजर जनता होती है, ठीक है, सरकार काम कर रही है, गठबंधन की सरकार लोगों के काम कर रही है, जो सांझे काम है और छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका अब निदान करेंगे, कैंडिडेट जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी का सारी समस्याएं दूर होंगी। जाहिर है सरकार के अब तीन साल पड़े तो उसका फायदा आपको मिल रहा है? फायदा तो देखो लोगों को मिलेगा, लोग सरकार में अपना हिस्सा डालेंगे और लोगों को फायदा मिलेगा। किस तरह के स्टार प्रचारक अब उतारने जा रहे हैं? जाहिर है मुख्यमंत्री आएंगे, उनके अलावा कौन कौन लोग? बहुत लोग आ रहे हैं, जो भी जननायक जनता पार्टी के भाई दिग्विजय जी, दुष्यंत जी, सभी लोग आ रहे हैं, सभी सरकार के दोनों पार्टियों के सभी लोग आ रहे हैं। चलिए वोटर्स के बीच लगातार गोपाल कांडा और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पहुंच रहे हैं। दो टू की बात करें कि अब विरोध का शोर सुनाई नहीं देगा, लगातार वो वोटर्स के बीच पहुंच रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटों का बंदोबस्त वो बीजेपी जेजेपी के साझे उम्मीदवार के लिए कर पाए। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, गाँव एलनाबाद सरसा।